सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग आ चुके हैं एक और नई वीडियो के साथ। और जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप लोग विंडोज 7 के सारे ड्राइवर्स को कैसे डाउनलोड और इंस्टॉल कर सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री में। सो गाइस, तो सबसे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ मेरे में मतलब मैक्सिमम ड्राइवर्स जो हैं वो अभी मतलब प्रेजेंट ही नहीं है, है ही नहीं मेरे पीसी में। देख सकते हो गाइस कितने सारे ड्राइवर्स ऑलरेडी मिसिंग हैं। सो गाइस, इन ड्राइवर्स को फिक्स करने के लिए हम लोगों को एक सॉफ्टवेयर की ज़रूरत पड़ने वाली है। और गाइस, आपको मेरा कर्सर नहीं दिख रहा होगा माउस का, उसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि यार स्क्रीन रिकॉर्डर में मैं उसको इनेबल ही करना भूल गया। सो गाइस, तो सबसे पहले आपको अपने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है, देन आपको उस पर जाके सर्च करना है। यहाँ पर देख सकते हो ड्राइवर पैक सोल्यूशन। जी हाँ दोस्तों, आपको सर्च करना है ड्राइवर पैक सोल्यूशन। सर्च करके आपको सबसे पहली वाली लिंक पर आपको क्लिक कर देना होगा, ड्राइवर पैक ऑनलाइन करके यहाँ पे दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना होगा, नहीं तो आप उसके ऊपर भी क्लिक कर दीजिएगा। और गाइस देखिए, यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिख रहा होगा, आपको इस पर क्लिक कर देना है ग्रीन कलर का, और दोस्तों आप लोगों का डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और दोस्तों देखिए, आपको सिंपली इसको डाउनलोड हो जाने के बाद आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूँ। देखिए सिंपली हम लोग का डाउनलोड ये हो रहा है, इसको हो जाने देते हैं। और फिर देखिए दोस्तों, आपको यहाँ पे कीप पर आपको क्लिक कर देना है। और देखिए कीप हो चुका है हम लोगों का, मतलब ये हम लोग की फाइल डाउनलोड हो चुकी है। अब हम लोग डाउनलोड्स वाले सेक्शन में चले जाते हैं और यहाँ पे इसको डबल टैप करके इसको ओपन कर लेते हैं। और नेक्स्ट पे क्लिक करके इसको इंस्टॉल करने के बाद आपको इसको फिनिश पे क्लिक कर देना है। और दोस्तों ये ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा, आपको फिर कुछ नहीं करना है, बस आपने इसको इंस्टॉल कर लिया, ये ऑटोमेटिक फिर ओपन हो जाएगा। फिर आपको नीचे एक्सपर्ट मोड पे आपको क्लिक कर देना है, देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ एक्सपर्ट मोड पे आपको क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत आपका लोडिंग लेगा, फिर लोडिंग के बाद सिंपली दोस्तों ये ओपन हो जाएगा कुछ ऐसा आपके सामने। तो फिर दोस्तों सबसे पहले तो आपको यहाँ पे कुछ सॉफ्टवेयर्स को अनचेक करना पड़ेगा, ये सब ड्राइवर्स, इनको छोड़ के आपको दोस्तों यहाँ पे सॉफ्टवेयर्स वाले में आ जाना है और इन सब सॉफ्टवेयर्स को अनचेक कर देना है। ये सब दोस्तों एडिशनल सॉफ्टवेयर जो को अनचेक कर देना है, ये सब दोस्तों ये सब ऐसे फालतू में आपके पीसी में इंस्टॉल हो जाएंगे, इसलिए इन सबको अनचेक कर देना है। देख सकते हो कुछ एंटीवायरस भी है फ्री वाले, उन सबको भी अनचेक करने के बाद दोस्तों देखिए, ये फ्री वाले सॉफ्टवेयर्स को अनचेक करने के बाद आपको चले जाना है दोबारा से अपने ड्राइवर्स वाले सेक्शन में। देख सकते हो ड्राइवर्स वाले सेक्शन में आने के बाद दोस्तों आप वो वाले ड्राइवर्स को चेक कर सकते हैं जो आपको चाहिए। वैसे तो सारे ही ज़रूरी हैं, इसलिए मेरे पास कुछ ऑलरेडी डाउनलोडेड है, तो मैं उन सबको अनचेक भी कर दूंगा। और मैक्सिमम मेरे पास डाउनलोडेड मतलब नहीं है, तो मैं उन सबको अनचेक कर मतलब चेक ही रहने देता हूँ और देन इंस्टॉल पर मैं क्लिक कर दूंगा। सो गाइस, सबसे पहले इसको मैं अनचेक कर देता हूँ, और हाँ, और इंस्टॉल पर आपको क्लिक कर देना है। और गाइस सिंपली आपको मतलब आप अगर एक्सपर्ट मोड से भी नहीं चलाना चाहते हो तो आप सिंपली इंस्टॉल पे भी क्लिक करोगे, तभी भी आपके सारे ड्राइवर्स अपने आप ये डिटेक्ट करके उन सबको इंस्टॉल कर देगा। ये देखिए दोस्तों, यहाँ पर इस पेज पर ये हमको पहुँचा चुका है, और इस पेज पे दोस्तों ये ड्राइवर्स को डाउनलोड और इंस्टॉल दोनों करता है। सो गाइस, तो हम लोग का ड्राइवर जो है वो मैक्सिमम डाउनलोड हो चुका है। और दोस्तों आपके अगर पास 1 GB नेट है तो आपके सारे ड्राइवर्स डाउनलोड और इंस्टॉल हो जाएंगे, उससे कम भी रहेगा तो चल जाएगा, 500 MB के भी आसपास रहता है तो चल ही जाता है, उतना कुछ प्रॉब्लम नहीं आती है। और गाइस, सारे ड्राइवर्स डाउनलोड और इंस्टॉल होने के बाद ये आपको रिस्टार्ट करने के लिए कहेगा, तो आप सिंपली रिस्टार्ट कर दीजिएगा। सो गाइस, मैं इसको रिस्टार्ट कर देता हूँ, फिर आपसे मिलता हूँ। सो फाइनली गाइज, आप लोग देख सकते हो हम लोगों के विंडोज 7 का बिल्कुल रूप रंग बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये अब हम लोग के सारे ड्राइवर्स यहाँ पे सक्सेसफुली इंस्टॉल हो चुके हैं, हम लोग का वाईफाई ड्राइवर, ब्लूटूथ ड्राइवर, सारे के सारे ड्राइवर्स इंस्टॉल हो चुके हैं, साउंड का ड्राइवर भी, और दोस्तों बिल्कुल मस्का चल रहा है। सो गाइज, तो ये वीडियो मैंने यही आपको बताया था, अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा, और हाँ दोस्तों आप लोग भी इसको जरूर से यूज़ कीजिएगा। सो दोस्तों, तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय दोस्तों।